हमने पढ़ना है अपशिष्ट की हानियां या नुकसान, यानी लॉसेस ऑफ वेस्टेस। इन जो वेस्ट पदार्थ है उनके क्या क्या लॉस है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो पहली जो वस्तु आती है कि अपशिष्ट किसी भी स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित करते हैं, यानी ताजमहल के आगे भी अगर गंदगी पड़ी होगी तो ताजमहल को कोई नहीं देखेगा, उससे गंदगी से उसकी सुंदरता प्रभावित होगी। तो किसी भी स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को अपशिष्ट जो है वो प्रभावित करते हैं। दूसरा, अपशिष्ट हानिकारक कीटों व सूक्ष्म जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा गंदगी की तरफ मक्खियां वगैरह आदि आकर्षित होती हैं, और इन सूक्ष्म जीवों व कीटों से अनेक संक्रामक रोग फैलते हैं। इसके अलावा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अपघटन से दुर्गंध यानी गंदी गैसें निकलती हैं, तथा मैथेन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें या हरित गृह गैसें उत्पन्न होती हैं। वापिस से सुनेंगे, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अपघटन में दुर्गंध उत्पन्न होती है, साथ में मैथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा संक्रमित सुई जो चिकित्सा अपशिष्ट से निकलती है, या कोई भी लोहे की वस्तु अपशिष्ट के रूप में लोहे की वस्तु अगर किसी व्यक्ति के लगती है जो संक्रमित हो, तो उसे एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, तथा टेटनस जैसे रोग हो सकते हैं। तो वापिस सुनेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं, अपशिष्ट के नुकसान। चार चार करके मैं आपको रिपीट करूंगा, आप दोबारा से सुनेंगे। अपशिष्ट के नुकसान के बारे में, किसी भी स्थान की प्राकृतिक सौंदर्यता को प्रभावित करता है, नंबर एक नुकसान। नंबर दो नुकसान, हानिकारक कीट व सूक्ष्म जीव को आकर्षित करता है अपशिष्ट, जिससे संक्रामक रोग होते हैं। तीन नंबर जो नुकसान है वो ये है बेटा जी के जो अपशिष्ट है वो उसके अपघटन से दुर्गंध उत्पन्न होती है, तथा मैथेन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं, और संक्रमित सुई व चिकित्सालय अपशिष्ट से एड्स व हेपेटाइटिस बी जैसे। अब हमने पढ़ना है प्लास्टिक की हानियों में आगे। प्लास्टिक जो कि पेट्रोलियम पदार्थों से मिलकर बनता है, जब यह पेट्रोलियम पदार्थ या प्लास्टिक जल में मिलता है तो यह जल को प्रदूषित कर देता है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है कि पॉलीथिन, पॉलीथिन जो अपशिष्ट है वो पशु और पक्षियों के लिए नुकसानदायक होता है। कैसे होता है, देखो, जब पशु यानी गाय वगैरह या पशु जो भी इसको खाता है तो ये पशुओं की आंत को अवरोध यानी आंत में ये फंस जाती है, और फंसने के कारण उन जीवों की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो पॉलीथिन पशु व पक्षियों के लिए होता है नुकसानदायक, क्योंकि इनको खाने पर यह उनकी आंत को अवरोधित कर देता है, जिससे पशु मर जाते हैं। इसके अलावा पॉलीथिन मिट्टी की उर्वरता, अगर पॉलीथिन लंबे समय तक मिट्टी में रहे तो वह मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है, मिट्टी के उपजाऊपन को भी कम कर देता है। इसके अलावा पॉलीथिन नालियों को अवरोधित कर देता है, जब नालियों में पॉलीथिन फंस जाता है तो नालियां अवरोधित हो जाती है, जिससे नालियों का पानी इधर उधर बिखरता है, और उनके बिखराव से वहां पर मच्छर उत्पन्न होते हैं, और मच्छरों के कारण रोग उत्पन्न होता है, डेंगू व मलेरिया। वापस सुनेंगे, पॉलीथिन नालियों को अवरोधित कर देता है, जिससे नालियों का पानी इधर उधर बिखराव होता है पानी का, जिससे मच्छर उत्पन्न होते हैं, और मच्छर के कारण जो रोग होते हैं वो होते हैं डेंगू व मलेरिया। इसी प्रकार यदि आप पॉलीथिन को जलाते हो नष्ट करने के लिए, तो पॉलीथिन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिस जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिस जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए, हमारी त्वचा के लिए व हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। वापिस सुनिए, पेट्रोलियम पदार्थों से बनता है प्लास्टिक, इसके जल में मिलने पर जल को प्रदूषण करता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक के बाद पॉलीथिन कचरा पशु पक्षियों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पॉलीथिन को जब पशु खाएगा तो यह उसकी आंतों को अवरोधित कर देगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा पॉलीथिन जो है वो मिट्टी की अगर अंदर मिले तो मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देता है। पॉलीथिन नालियों में अगर फंस जाता है और तो नालियों को अवरोधित कर देता है, जिससे नालियों का पानी इधर उधर बिखरता है और रोग हो जाता है डेंगू व मलेरिया। इसके अलावा पॉलीथिन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिस जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं, जो श्वसन तंत्र, त्वचा व आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। आगे जो प्लास्टिक है उसकी हानियों के बारे में पढ़ेंगे हम, कि जब हम अपशिष्ट प्लास्टिक के ज्यादा संपर्क या प्लास्टिक के ज्यादा संपर्क में आते हैं तो हमारे खून के अंदर एक रसायन होता है थैलेटस, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जब खून के अंदर रसायन थैलेटस की मात्रा बढ़ने लगती है तो इससे क्या होता है, जो गर्भवती स्त्री उसके पेट में जो शिशु, गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसका विकास रुक जाता है,
याद रखना, प्लास्टिक के ज्यादा संपर्क में आने पर खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ती है और थैलेटस के प्रभाव के कारण गर्भवती स्त्री के शिशु का विकास रुक जाता है। दूसरा, जो हमारे प्रजनन अंग हैं, जो प्रजनन क्रिया में सहायक होते हैं, प्रजनन अंग, उन प्रजनन अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। तो याद रखना, आपने ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है कुछ इस प्रकार से, टी फॉर थैलेटस, फिर इसके बाद टी के बाद वी, वी फॉर विकास रुक जाता है, पी फॉर प्रजनन अंग और ए फॉर अंगों को प्रभावित होते हैं। तो याद रखना है, थैलेटस के कारण, थैलेटस किसके कारण बढ़ता है? प्लास्टिक के कारण। प्लास्टिक के ज्यादा संपर्क में आएंगे तो खून में थैलेटस बढ़ेगा, थैलेटस के कारण गर्भवती स्त्री का शिशु का विकास रुक जाएगा और प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जब प्लास्टिक बनाया जाता है तो इसके अंदर एक रसायन काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है बिस्फेनॉल। तो प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग में आने वाला रसायन बिस्फेनॉल, इस बिस्फेनॉल रसायन के कारण क्या होता है, हमें मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। साथ में हमारे लीवर एंजाइम जो यकृत के द्वारा एंजाइम निकलते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। वापिस सुनेंगे, प्लास्टिक के अंदर को बनाने के लिए जो रसायन काम में लिया जाता है बिस्फेनॉल, उस बिस्फेनॉल के कारण हमें मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है तथा इससे हमारे लीवर एंजाइम जो होते हैं, जो उद्योग धंधे हैं उनसे कौन कौन से अपशिष्ट निकलते हैं, यानी औद्योगिक अपशिष्टों के बारे में हमें अध्ययन करना है। औद्योगिक अपशिष्टों में सबसे पहले हम उद्योग धंधा पढ़ेंगे। उद्योग धंधा में नाम आया हमारे पास औषधि निर्माण उद्योग। औषधि निर्माण उद्योग में क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होते हैं अपशिष्ट? सूक्ष्म जीव प्राप्त होते हैं, कार्बनिक रसायन प्राप्त होते हैं। औषधि निर्माण उद्योग में हमें सूक्ष्म जीव व कार्बनिक रसायन प्राप्त होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? ये या तो निलंबित यानी मुक्त अवस्था में होते हैं या घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। फिर दो नंबर हमारे पास है कपड़ा उद्योग। अब कपड़ा उद्योग में कौन कौन से अपशिष्ट निकलेंगे? तो देखो, कपड़ा उपयोग निर्माण के लिए रेशे की आवश्यकता होती है तो रेशा निकलेगा, या जो वेस्टेज या व्यर्थ में जो कपड़ा बन गया है वो कपड़ा निकलेगा, तो रेशा तथा व्यर्थ कपड़ा इसके अपशिष्ट प्राप्त होंगे। कपड़ा उद्योग में हमें अपशिष्ट क्या प्राप्त होंगे? रेशा व व्यर्थ कपड़ा। फिर इससे हमें लक्षण क्या कैसे प्राप्त होंगे? या तो क्षारीय पदार्थ प्राप्त होंगे या निलंबित पदार्थ प्राप्त होंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग में जो अपशिष्ट प्राप्त होता है वो होता है हमें कच्चा उत्माल, यानी इसके बाद जो मध्यम में माल बनता है वो, या हमें अंतिम उत्पाद के रूप में अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। लास्ट में जो उत्पाद बनेंगे वेस्ट उत्पाद बनेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से उत्पाद बन सकते हैं, कैसे कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, कि ये पदार्थ विषैले हो सकते हैं, अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं या ज्वलनशील पदार्थ हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम उद्योग का केंद्र शोध रसायन, यानी इसको पेट्रोलियम के शोधन के लिए जो रसायन में काम मिलेंगे वो हमें अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होंगे। इसके अलावा हमें जो पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, लक्षण कैसे होंगे, कि वो तेलीय होंगे या वो अम्लीय पदार्थ के रूप में होंगे। उसके बाद आते हैं उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में आमक के रूप में हमें ठोस अपशिष्ट मिलते हैं, यानी जो उर्वरक यानी जो खाद वगैरह बनाई जाती है उसमें हमें ठोस अपशिष्ट मिलते हैं। और ये अपशिष्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये कैल्शियम हो सकता है या कैल्शियम सल्फेट हो सकता है। उसके बाद आता है तापीय उद्योग। तापीय ऊर्जा का अर्थ होता है थर्मल। तो थर्मल में क्योंकि कोयले के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है तो वहां पे हमें उड़न राख जो है वो अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा तापीय उद्योग में हमें प्राप्त होने वाले जो पदार्थ है वो होते हैं सिलिकेट, लोह ऑक्साइड व अधजले कार्बन, यानी आधा जला हुआ कोयला, लोहे की ऑक्साइड व सिलिकेट प्राप्त होती है। उसके बाद आता है रबड़ उद्योग। रबड़ उद्योग में अपशिष्ट भी क्या प्राप्त होगा हमें? रबड़। और ये अपशिष्ट कैसा होगा? उच्च क्लोराइड युक्त, यानी इसके अंदर क्लोरीन की मात्रा अधिक होगी। दूसरा, ये रबड़ अचूर्ण यानी चूर्ण के रूप में बारीक रबड़ हमें प्राप्त होगा। तो ये हमने पढ़े उद्योगों के नाम, फिर इनसे हमें कौन कौन से अपशिष्ट प्राप्त हुए, फिर इन अपशिष्टों की प्रकृति या इनके लक्षण कौन कौन से हुए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज के अध्ययन के अंदर हमने पढ़ा क्या? औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट में उद्योग धंधा, अपशिष्ट और उनके लक्षण के बारे में पढ़ा था।